गाने की रिकॉर्डिंग के साथ सस्पेंस थ्रिल वेब सीरीज द क्रिस क्रॉस डील का म्यूजिकल मुहूर्त, मोबाइल पे इंटरनेट की सुविधा मिलने से और इस कोरोना काल में OTT प्लेटफॉर्म ने बेपनाह लोकप्रियता हासिल कर ली है। महामारी और लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद दर्शक सिनेमाघरों की बजाय अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मनोरंजन ढूंढ रहे हैं। ऐसे में एक सस्पेंस थ्रिल वेब सीरीज द क्रिस क्रॉस डील बनने जा रही है, जो दर्शकों के लिए भरपूर मनोरंजन लेकर आने वाली है। नेक्स्ट सिनेमा प्रस्तुत इस वेब सीरीज का मुंबई में एक थीम सॉन्ग रिकॉर्ड करके मुहूर्त किया गया। इस गाने को प्रियंका मित्रा ने गाया है, जबकि कपिल हरिशंकर का संगीत है और पुष्पलता ने इसके गीत लिखे हैं। वेब सीरीज के निर्माता अभिषेक वर्मन, शबनम परिवहन और पब्लिश मीडिया फिल्म्स है। यह वेब सीरीज OTT VIS पे रिलीज होगी। इसमें समीक्षा भटनागर, अलीशा चौधरी, शशांक मिश्रा, शिल्पा चौधरी, कोमल सोनी जैसे कलाकार काम कर रहे हैं। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जैसे कि हमारे अतुल गुप्ता जी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर अभिषेक जी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ काम करके सर। और जेन्युइन में CBI ऑफिसर होने के नाते मुझे ऐसे महान किरदारों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो जेन्युइनली सर आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरा इस सीरीज में कैरेक्टर है रवीना का, तो ये मेरे लिए एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है जिसमें एक सस्पेंस स्टोरी है, ड्रामा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये प्रोजेक्ट करने में। और आई होप सो कि आप भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे इसको और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिल्म के निर्देशक और निर्माता क्या कहना चाहेंगे? निर्माता के बारे में तो ऐसे कहना चाहूँगी, जब सबसे पहले मुलाकात हुई थी ऑफिस में आया, उन्होंने मुझे इतनी सारी स्टोरी बताई, ये सब बताया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और मैंने इसके पहले ये वेब सीरीज़ का तो ऐसा कोई फॉर्म किया नहीं है, लेकिन जिस टाइप से उन्होंने स्टोरी बताई तो एक यूनिक है सर मेरे लिए, ये बहुत ही अच्छा है। क्राइम ब्रांच ऑफिसर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अतुल गुप्ता जी को कि उन्होंने ऐसे मुझे किरदार के लिए चुना है। अतुल गुप्ता जी के बारे में मैंने बहुत कुछ पहले सुना है कि ही इज़ लाइक वेरी टैलेंटेड पर्सन, लेकिन जब उनसे मिलने के बाद में मैंने इस सीरीज़ के बारे में सुना, तो मुझे मैं खुद आई एम सो ब्लेसिंग कि हाँ मुझे ये सीरीज़ ऑफर हुई है और उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को इतना मुझे मेरे ऊपर भरोसा करके ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो ही इज़ लाइक वेरी ऑनेस्ट पर्सन। एंड जो प्रोड्यूसर है अभिषेक जी, तो उनसे मैं 2 बार मिल चुकी हूँ एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, सो बहुत अच्छा। और लास्ट वन एंड हाफ डे बहुत डिफिकल्ट रहा, तो प्रोफेशनली कैसा रहा आपका काम के हिसाब से, या आगे फ्यूचर कैसा देख रही हैं आप, किस तरह से? आगे फ्यूचर तो अभी सर जेन्युइनली सब कुछ चालू हो चुका है। 1.5 ईयर जो सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, हम सिर्फ इंडस्ट्री वालों के लिए नहीं बाकी सभी के लिए बहुत मुश्किल था सर, तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि इसके बाद ऐसी कोई भी चुनौती हमारे सामने ना रखे वो,
बस और भी पॉजिटिव, बहुत अच्छे से आगे काम करना चाहते हैं बस। हाँ, ये मतलब लाइक सब जानते हैं कि ये दौर तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब लाइक सबके लिए, इंडस्ट्री वाले के लिए, जो वर्किंग एनीबॉडी, सबके लिए ये बहुत ये था। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि हाँ, आगे ऐसा कभी कुछ ना हो और आगे ऐसा कोई भी दौर ना है हमारी लाइफ में, और सब हमेशा हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले स्पेशली थैंक्स अतुल सर को, जिनकी वजह से मुझे ये किरदार मिला। इससे पहले एक और प्रोजेक्ट में वेब सीरीज़ वगैरह था जिसमें अतुल सर थे साथ में, तो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर एंड राइटर ऑल्सो, एंड बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और इसमें मैं करण का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि भागता रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि ओपन नहीं कर सकते हैं फिलहाल। आप लोग इन्जॉय करिए, देखिए अभी बनेगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जितनी बेस्ट बन पाए उतनी। फ्यूचर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि पास्ट में जो भी टाइम अपना गुजरा है वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा है, तो पिछले लास्ट लगभग एक आध साल से तो घर पर ही, मतलब इधर उधर सब लॉकडाउन वगैरह, बट ठीक था, कोई नहीं, घर पे एक्टिविटीज़ चलती रहती थी कुछ ना कुछ, मम्मी बोला करते थे कुछ ना कुछ, बट ठीक था। हाँ, मैं एक्चुअली इंडस्ट्री में 3 साल से हूँ, काफ़ी सारे काम किए हैं, एल्बम किए हैं, पंजाबी किए हैं, हरियाणवी किए हैं, बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, जोधपुर, हाँ, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा काम किया है। लेकिन आई थिंक कि ये जो सीरीज़ है ये मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, तो मैं मतलब अपना 100% इसको देना चाहती हूँ, और आई होप सो कि आप सबको मेरा काम बहुत पसंद आए और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। थैंक यू। सर, जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या प्रोजेक्ट है, किससे किरदार निभा रहे हैं, और आज कितनी खुशी मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़ के आपको। देखिए, प्रोजेक्ट जैसा कि नाम है द क्रिस क्रॉस डील, तो ये एक बहुत ही सस्पेंस थ्रिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, और स्टोरी जो कि विजन है अतुल सर का बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैं एक पुलिस कॉप का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा ये देख के सभी ऑडियंस को और हमें करने में भी। मैम, आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और कितने साइज प्ले कर रही हैं? सो इट्स अ म्यूजिकल इनॉग्रेशन ऑफ दिस क्रिस क्रॉस डील, और आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट। एक थ्रिलर सस्पेंस है, और आई एम प्लेइंग कैरेक्टर कॉल्ड मोनिका। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, बिकॉज कैरेक्टर को मैं चाहती हूँ कि उसको पहले उसकी जर्नी को हम अच्छे से जी लें पूरी तरीके से, फिर जब सडनली सबके सामने ये कैरेक्टर आएगा या ये यू नो सीरीज आएगी, सो पीपल विल एन्जॉय। अतुल जी बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर एंड राइटर हैं। उनके साथ जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी फॉर सम अदर प्रोजेक्ट, हम उसी टाइम पे ये था कि करने वाले हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो हुआ नहीं। बट देन आई एम सो फॉर्चुनेट दैट वी आर अगेन यू नो डूइंग अ प्रोजेक्ट, एंड द राइटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज इट्स अ वेरी I mean, full of thrill. So, बहुत मज़ा आएगा, and he is absolutely talented. सर, आप क्या कहेंगे निर्माता और निर्देशक के बारे में? जी बिल्कुल, जब मैं पहली बार सर से मिला तो जिस तरीके से उन्होंने अपना विज़न और स्टोरी के बारे में मुझे बताया, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था, और बहुत ही टैलेंटेड हैं, और उनके साथ काम करना जो कि मैं मानता हूँ कि मेरे लिए एक ब्लेस्ड थिंग है, और इस इतने अच्छे सब्जेक्ट में इतने सुपरली जो लिखा गया है, जिस तरीके से ये कहानी लिखी गई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई है, तो बहुत मज़ा आएगा करने में। सो यस, लॉकडाउन का टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, फिर चाहे वो इंडस्ट्री हो, एक्टर्स हो, टेक्नीशियंस हो, या एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। सो अभी धीरे धीरे सब लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, काम स्टार्ट हो रहा है, सो वी एवरीबॉडी इज़ यू नो हम लोग सब मोटिवेटिंग हैं। और उस वक्त भी अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई एम वेरी फिटनेस एडिक्ट,
सो मुझे लगता था कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है, आई एम श्योर इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर हम यही सोचते रहेंगे कि डिफ़िकल्ट है, क्या करें कैसे करें, सो वो टाइम को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो उसमें मैंने अपना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, रीडिंग हो, फिर चाहे किसी भी तरीके से मोटिवेटिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो एंड देन एक्सरसाइज हो, योगा हो, ऑल दैट. सो बट नाउ आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि चीज़ें खुल रही हैं, इंडस्ट्री का काम शुरू हो गया है, एवरीबडी इज़ नाउ एटलीस्ट आई कैन सी स्माइल ऑन देयर फेस एंड एवरीबडी इज़ वर्किंग, सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड नाउ थिंग्स आर बेटर. जी बिल्कुल, ये जो समय था ये एक्चुअली किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बहुत ही मुश्किल भरा था, और चाहे वो फिर डेली वेजेस वाले हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, सभी के लिए एक बहुत मुश्किल भरा दौर था. और अच्छी बात यह है कि अभी चीज़ें धीरे धीरे वापस सभी पटरी पे आ रही है गाड़ी. सो जैसा कि बताया आपने, और क्योंकि मैं भी फिटनेस को काफ़ी मानता हूँ, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया अपना, अपने क्राफ्ट को थोड़ा और बेहतर करने के लिए उस पर काम किया, अपने फिटनेस लेवल को और इम्प्रूव किया मैंने, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप बेहतर कर सकते हैं. और पॉजिटिव रहने के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि आप डेली आप वर्कआउट करें, आप योगा करें, या फिर आप अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाएं, ताकि एक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है कि वो बना रहे. और मैं थोड़ा लकी रहा इस मामले में, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो आई गॉट सम प्रोजेक्ट्स, और मैं बिज़ी हो गया, वापस फिर से एक सेकंड लॉकडाउन हुआ तो फिर वापस चीज़ें बंद हो गई. बट अच्छी बात यह है कि अभी वापस चीज़ें फिर से धीरे धीरे खुल रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आ रही हैं, तो इट्स गुड नाउ. थैंक यू. अब समझ में आया किस तरह जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट में आप? मैं इसमें इस म्यूजिक डायरेक्टर जुड़ा हूँ. कितने गाने हैं इस वेब सीरीज में, किस तरह की म्यूजिक? अभी तो हम लोग टाइटल सॉन्ग कर रहे हैं जी. उसके बाद में और कितने गाने निकलेंगे वो डायरेक्टर साहब से पता चलेगा, तो करते जाएंगे. मैम आप क्या कहेंगे इस सीरीज के बारे में? हाँ जरा अच्छा सॉरी बोलिए. नहीं नहीं आप बोलिए. नहीं बोलिए, यही है कि मैं इसका मेन टाइटल सॉन्ग जो है वो मैं गा रही हूँ, उसके बाद आगे का जो भी मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई गाएं होते हैं सौदे कोई होते हैं सौदे कोई जुर्म के सौदे बेईमानी के crime crime setting crime cheating deception lies and lies ऐसे ही सौदों को कहते हैं क्रिस्क्रॉस डील द क्रिस्क्रॉस डील. मेहनत की तरफ से देखें तो एक ही है, मतलब जो हम लोग वेब सीरीज में जो हमारी मेहनत होती है गाना वही है. तो अगर एफर्ट्स की तरफ से देखेंगे तो उतना ही एफर्ट है, जो उसमें कोई चेंजेस है नहीं. फ्यूचर प्लानिंग अभी ऑनेस्टली कुछ सोचा है नहीं, जो भी अभी जो होगा जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे. फिर भी कितना ज़्यादा आपको लग रहा है कि एनवायरनमेंट अच्छा हुआ है या होने वाला है, कितनी पॉजिटिव है? पॉजिटिव तो बहुत ज़्यादा है कि काम होता रहेगा, चलता रहेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज द ओनली इंडस्ट्री जिसके तरफ लोग आते हैं अपने सुकून के लिए, तो काम तो चलना ही है यहाँ पे. सो वी आर होपफुल अबाउट इट. सर आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं फिलहाल के लिए, आगे क्या कुछ नजर आ रहा है? माहौल तो देखिए बहुत डिप्रेसिंग है, और आगे का फ्यूचर ऐसा है कि अपनी लाइन जो हमारी जो एंटरटेनमेंट मीडिया की लाइन है वो ऐसी है कि जैसा एक बच्चा होता है ना कि रात को जल्दी सो जाता है और सुबह बहुत देर से उठता है, ऐसे जब लॉकडाउन होता है सारी चीज़ें बंद होती हैं तो हमारा फील्ड सबसे पहले बंद हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है, एक्टिव पब्लिक, तो सबसे पहले हमारा फील्ड बंद होता है. और उसके बाद में बाकी सब खुल जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर अगस्त से थोड़ा सब खुलना चालू हुआ था, बाकी सब बिजनेसेस चालू हुए थे, हमारी लाइन नहीं चालू हुई थी. हमारा जाके जनवरी फरवरी से थोड़ा चालू हुआ तो दोबारा लॉकडाउन हो गया, अभी फिर से थोड़ा सा शुरू हुआ, जैसे हम लोग ये काम कर रहे हैं तो अब ये फिर हो रहा है कि
ये वेरिएंट आ गया जेड प्लस वेरिएंट, और उसके बाद में अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है, उसके बाद में जीका है, और फिर थर्ड वेव इज अराउंड द कॉर्नर। मतलब सारा प्री प्लान्ड है, तो इस हिसाब से तो बड़ा डिप्रेसिंग है, लेकिन अब ठीक है, हम तो कलाकार हैं और कुछ कर ही नहीं सकते। फिर वेब सीरीज जो मीडियम है वो कितना ज्यादा आपको लगता है कि मतलब फास्ट मीडियम होता है शूट करने के हिसाब से, प्लीज करने के हिसाब से, क्योंकि टीवी शोज हो या फिल्म का भी? हां देखिए, सब की चाहे आप फिल्म बोलें कि टीवी शो बोलें या वेब सीरीज बोलें, मीडियम अलग होने से काम का सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अप्रोच भी चेंज हो जाती है। तो अभी वेब सीरीज़ जो है वो जो थिएट्रिकल फिल्म के लिए जो हम लोग काम करते थे उतना हैवी काम अभी नहीं हो रहा है। इवेंचुअली आगे चल के इतनी बड़ी उसी लेवल पे सब होने लगेगा तो फिर होने लगेगा, अभी तो थोड़ा सा फ़र्क है। थैंक यू। प्रोजेक्ट जो है वो ये एक मिनी वेब सीरीज़ है, क्योंकि बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो कम में ही समेटने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए हमने डिसीजन लिया कि इसको हम 2 एपिसोड का एक सीज़न बनाते हैं। और थीम जैसा कि आपने पूछा, तो बेसिकली इट इज़ अ क्राइम थ्रिलर, लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें अलग है जो शायद आपको देखने के बाद ही समझ में आ पाएगा। फिर भी मैं एक आइडिया देता हूँ कि नॉर्मली जो क्राइम थ्रिलर्स होते हैं उसमें एक क्राइम होता है और एक सस्पेक्ट होता है, फिर बाद में उसे पकड़ा जाता है। हमारे क्राइम थ्रिलर में कौन सस्पेक्ट है, किसने क्राइम किया है, और एक्चुअली क्राइम के बदले क्राइम की किस तरह से डील होती है, वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है। इसलिए इसका टाइटल हमने रखा है द क्रिस क्रॉस डील। इट इज़ अ डील ऑफ क्राइम विच अ क्रिमिनल मेक्स विद अनदर क्रिमिनल। शूटिंग हमारा 14 से स्टार्ट हो रहा है इसी में। तो वेब सीरीज है तो क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ ये सस्पेंस थ्रिलर है या मतलब प्लीज डीप सस्पेंस थ्रिलर है कि सेंसुअल और किस तरह का होगा ये सस्पेंस थ्रिलर? आपका मोटिव क्या है? मतलब मोटिव बेसिकली यही बताना है कि क्राइम कितनी भी होशियारी से प्लान किया जाए, एक कैरेक्टर हमारे इस वेब सीरीज में एक डायलॉग कहता है कि जुर्म अपनी जुबान खुद बोलता है, गुनाह अपनी पोल खुद खोलता है। दिस इज अवर बेसिक थिंग विच वी वांट टू से। शूटिंग कहाँ कहाँ होगी सरकार? शूटिंग सारी बॉम्बे में होने वाली है। और कौन से प्लेटफॉर्म पे उसको बेसिकली आप बेसिकली ओपन मार्केट के लिए मल्टीपल शेयर्ड स्ट्रीमिंग में जाएगा। फिलहाल एक विज OTT प्लेटफॉर्म जो है जिनका अमेरिकन कंपनी के साथ टाई अप है, प्राइमरी हमारा जो है उनके साथ में स्ट्रीमिंग पार्टनरशिप का डील हुआ है, लेकिन उनके ज़रिए ये सारे अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी स्ट्रीम होगा।